ये देखिए इस तरीके से आप पाउच को डाल दीजिए और यहाँ पे पुश बटन जो लगा हुआ है इसको आप पुश कर दीजिए ऐसे, ये पानी ऑटोमेटिक रुक गया। आप इसको कितनी भी देर दबाए रहिए लेकिन आप आपकी मशीन जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कट कर देगी। अब यहाँ से पाउच को निकालना है और इस तरीके से ये सीलर में लगाना है। अभी आपकी पाउच सील हो गई। तो इस तरीके से आप इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। अभी देखिए आप इसमें चेक कर सकते हैं, अभी जो ये निशान लगा हुआ है इस निशान के बराबर पानी है इसमें। अभी ये पानी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके और दिखा दें दूसरी मरतबा। यहाँ से थोड़ा सा बना बढ़ाना आपको एमएल सेट करने के लिए और फिर आप देखिए कितना पानी निकलता है इसमें। तो इस तरीके से आपको जितना पानी भरना है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और इन मशीनों में ये चीज़ नहीं है, इसमें